तो आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं वसई वेस्ट महानगर पालिका नवघर माड़ी विभागीय कार्यालय के पास उपलब्ध हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी वो एससी मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे वसई में अवैध बांध काम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और महिला पदाधिकारियों एवं पुरुष एक साथ एकत्रित होकर अवैध बांध काम का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हम आइए बात करते हैं पदाधिकारियों से। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है अर्जुन भीमराव इंगुले। क्या किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे महानगर पालिका प्रशासन वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन संजय पाटिल मैं इनके वारंवार तकरार करके लेखित तकरार किया, जाके मिला मैं उनको टोंडी तकरार किया तो भी उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। कम से कम आज 20 दिन हो गया उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे गाले या बिल्डिंग ऐसा एकदम खुलेआम चल रहा है। या माफिया के ऊपर या संजय पाटिल के ऊपर हमारा कार्रवाई है कि यहाँ से उनका बदली बना मांगता है। और महानगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ या और विभागों में और जो वार्ड है उसमें और विभागों में है, लेकिन हमारा जो इधर वसई का मंडल का विषय है इसके विषय में संजय पाटिल का यहाँ पे ताबड़तोड़ बदली होना मांगता है। ओके, ये हमारी मांग है। आपका शुभ नाम क्या है? पाटिल का बदल दो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश प्रजापति है। हमारा कहना यही है, प्रशासन से भी कहना है और ज़्यादा करके यहाँ के सक्रिय जितने भी जो अधिकारी आते हैं, यहाँ के अधिकारी इसके लिए आते हैं कि सिर्फ पैसा बनाने को, अपना पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं। किसी को भी वसई से कुछ लेना देना नहीं, वसई की जनता से कोई लेना देना है। इनलीगल काम इतने, गाले से लेकर जो भी है, जहाँ पे भी आप देखो रोड चलने के लिए जगह नहीं है। जहाँ जाओगे बाइकें रखी हुई है, उसके लिए इनको जो पार्किंग देना चाहिए वो पार्किंग नहीं है। आप कहीं पे भी गलियों में चले जाओगे बिना पान पे 10 रुपये के लिए इन्होंने फुटपाथ के लिए हजारों के तरह के गाड़ियाँ लगा दी है, वो भी सब कब्जा कर लिया है। इंसान पैदल चल नहीं सकता है, वसई की जनता परेशान है। और आप कोई भी प्रभाग डी लो छी लो ई लो, इनका जितने भी प्रभाग है ना, हर जगह पे भूमाफिया ही बोलो, और जितने भी है कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आए हैं कहाँ के हैं किसी को पता नहीं। यहाँ की आम जनता के लोग जो काम करने जाते हैं, क्योंकि जनता क्या गरीब हो या कोई भी हो सब बराबर ही है, जब वो काम करने जाता है जनता उसकी मृत्यु कैसे होती है वो दीवार गिरने से। आज 10 दिन हो गए हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रशासन सोया हुआ है? ऐसे प्रशासन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मैं इसकी मांग करता हूँ। और आप अध्यक्ष हैं? अच्छा, अपना शुभ नाम बताइए। महेश सरवणकर, वसई रोड शहर मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? यहाँ पे ऐसी मांग है कि जो गए हफ्ते में उद्घाटन ये दुर्घटना हुई थी बेल्लार में, उसमें एक गरीब मजदूर की मौत हो गई, इसी प्रभाग में गए साल में एक दुर्घटना हुई थी मानिकपुर में, वहाँ पे भी ऐसे ही गरीब महिला की मौत हो गई थी। तो उसको कंपेंसेशन तो महापालिका ने कुछ दिया नहीं, हमने मांग भी की। अभी इतना होने के बावजूद भी गए साल भर में यहाँ पे महापालिका प्रशासन अनधिकृत जो बांधकाम प्रभाग समिति एच में हो रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि ऐसा अपघात जो है वापस नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप लोग कार्रवाई करो, लेकिन उनको किसी का फोन आता है आजी माजी पदाधिकारियों का, उनके दबाव में वो है, ऐसा वो मतलब पीछे से बोलते हैं कि हम दबाव में हैं। तो ये दबाव कौन ये कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए मैंने पूरा वसई विरार के अनधिकृत बांधकाम की SIT ये करके नियुक्त करके उसकी जांच होनी चाहिए करके मैंने जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी इनको लिखित तकरार दी है कि इसकी पूरी SIT नियुक्त करके उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आइए, इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा शामिल है, हम महिला पदाधिकारियों से बात करते हैं। किससे बात करना है? बोलिए, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम कंचन झा है, मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वसई विरार से हूँ। आप देख रहे हैं हमारी सारी महिला मोर्चा हमारे साथ एकत्रित है। ये जो हमारे वसई रोड मंडल अध्यक्ष श्री महेश जी सनवरकर जी ने और अर्जुन इंगोले जी के नेतृत्व में ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के विषय में पहली लाइन ये बोलूँगी कि अधिकार खोकर बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, अनायास अपने बंधुओं को दंड देना महापाप है।
तो ये अनायास जो ये अधिकार अपने जब्त करे अनधिकार जो अनधिकृत बांधकाम कर रहे हैं। पहले भी ये प्रथा थी कि पहले दबे हुए को कुछ लोगों को दबाया जाता था, लेकिन अभी मोदी जी का राम राज आ चुका है। राम राज में सभी बराबर होते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। फिर भी ये बांधकाम वाले, ये जो नगर पालिका वाले संजय पाटिल जी हैं, वो अगर उनके घर का कोई बड़ा आदमी मरता या कोई किसी की वजह से परेशानी होती तो जरूर उस पर कार्रवाई होती, लेकिन चूंकि वो एक गरीब एक सामान्य साधारण आदमी की जिंदगी गई है तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके परिवार का कौन देख रेख करेगा। एक बात, दूसरी बात, आप एक लिपिक के पद पे हो, यानी आपकी उतनी योग्यता उतनी क्षमता है, आपकी सोचने की कैपेसिटी भी उतनी है, वरना आप अधीक्षक होते अध्यक्ष होते, लेकिन अगर आप उनके पद पे बैठे हो तो आपको उनका डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपका नहीं है, तो इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपके योग्यता से कम आगों को दिया गया आपको पद, मतलब आपकी उतनी योग्यता है, तो आप गलत डिसीजन इसी वजह से ले रहे हो। तीसरी बात, आप अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हो, आपके आजी माजी जो भी आपके व्यक्ति विशेष के लिए आप काम करते हो, तो ये व्यक्ति विशेष की नगर पालिका नहीं है। नगर पालिका सभी जन साधारण के लिए काम करने के लिए है और इस पर लोगों की नज़र जा रही है। विषय यह है कि साधारण आदमी आप तक पहुंच नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीबों के लिए, कुछ लोगों के लिए, दबंगों, ये दबे हुए लोगों के लिए काम करते आई है और आज भी करते आई है। पहले भी हम लोगों ने टोइंग के लिए खिलाफ बहुत सारी चीज़ों के, जो लोगों की नज़र नहीं जाती, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो आज मैं इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं संजय पाटिल जी को कि ये आप अनधिकृत बांध काम को जो आप सहयोग कर रहे हो, आप याद रखिए ये पाप का घर है आप जो कर रहे हो। आपकी वजह से जो किसान जो लोग मर रहे हैं, मजदूर लोग, उनका हाय आपको लगेगा। आप इसमें अगर नहीं करेंगे कार्रवाई तो आपको इसका भुगतान देना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है, क्या सुनना आपका? नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, SC मोर्चा का, अनुसूचित जाति का। हमारे बिल्डिंग में पार्किंग के ऊपर जो सीमेंट वगैरह गिरा है, पल्स बिल्डर और मानसरोवर बिल्डर और एवरसेन बिल्डर, तीनों का बहुत जोरदार काम चालू है। 30 माले का टावर चालू है, मैं आपको लाइव पूरा वीडियो दिखा सकता हूँ। मैंने सबको कंप्लेंट किया मगर कोई भी महानगर पालिका का कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बोलता है तुम लोग का पर्सनल है, तुम लोग जाके पुलिस कंप्लेंट करो। पुलिस स्टेशन में लेटर दिया खुद BJP का, मगर कोई सुन नहीं रहा। नगर पालिका को दिया, पालघर में दिया, लेकिन एक भी कार्रवाई कोई करने को तैयार है? पूरी बिल्डिंग में कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान किया, सभी की गाड़ी को खराब किया। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते तो वो मारने की धमकी देता है, डराता है, और कोई भी नगर पालिका का एक भी कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। इन लोगों की मांग है कि बसई विरार में हो रहे अवैध निर्माण को रोका जाए और जो इसके अधिकारी हैं उनको, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन्हें यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, हटाया जाए। इन लोगों की मुख्य मांग यही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति TV।